उदाहरण तीन, यदि सेक ए बराबर 5/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है सेक ए बराबर 5/3 और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हुए, 5 और अनुपात बचते हैं, तो 5 अनुपात कौन कौन से होंगे, तो साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, टेन ए और कॉट ए, ये अनुपात हमको ज्ञात करने होंगे। तो सेक ए का यदि संबंध हम किसी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में देखते हों तो वो हमको ज्ञात हो जाएगा। जैसे सेक ए और कॉस ए में हम संबंध जानते हैं, कॉस ए सेक ए का व्युत्क्रम होता है, तो हम यहाँ पर इसको लिखें कॉस ए, चूंकि कॉस ए बराबर है 1/sec A के और sec A का मान हमको दिया हुआ है, इसलिए cos A बराबर 1/sec A का मान रखेंगे तो 5/3 और जब हम 1/a/b ऐसे लिखते हैं, 1/a/b लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं 2/a, इसलिए यहाँ पर फिर लिखेंगे हम कॉस ए बराबर 3/5। सेक ए का मान दिया था, कॉस ए हमने निकाल लिया। अब ये देखें कि कॉस ए यदि पता है तो क्या हम साइन ए निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन ए और कॉस ए में एक संबंध हम जानते हैं, ये संबंध होता है सर्वसमिका के रूप में जाना जाता है, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब चूंकि इसमें कॉस ए का मान मालूम है, साइन ए का मान हमको चाहिए, तो हम इसको इधर पक्षांतरित कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1-cos²a। अब हम कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए का मान रखकर साइन ए की गणना कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर 1-cos²a, हमने ऐसा लिखा। इसमें कॉस ए का मान हम कैसे रखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख लें, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1-cos A और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर अर्थात वर्ग, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1-cos A का मान क्या है, हमने अभी निकाला cos A का मान, वो है 3/5, तो इसका हो जाएगा वर्ग। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1-3/5 का वर्ग का तात्पर्य है 3/5×3/5, ऐसे भी बोल सकते हैं और हम इसको 3 का वर्ग और 5 का वर्ग भी बोल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1-, ये हो गया 3 × 9 और 5×5=25। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ हम फिर लघुत्तम निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 के नीचे में हर में 1 है और 9/25 में 25 हर है, तो 1 और 25 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे, ये आएगा 25। इस 1 से इस 25 को भाग करेंगे तो 25 बार में भाग जाएगा, उस 25 का गुणा इससे करेंगे 1 से, तो मिलेगा 25×25। फिर इस 25 से इसको हम भाग किए तो 1 बार में भाग चला जाएगा, उस भाग पर 1 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 9×9। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 25 में से हम 9 घटाएंगे, कितना आएगा, ये आएगा 16। अब इसको हम लिखेंगे 16/25। यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सिक्सटीन्थ अपान 25 अर्थात 16 बटा 25। तो हमको चाहिए साइन ए का मान, इसलिए इसको भी वर्ग के रूप में हम लिख लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16 को हम 4 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं और 25 को हम 5 के वर्ग के रूप में। इसका मतलब इसको हम 4 बटा 5 का वर्ग लिख सकते हैं। अब यदि दोनों तरफ से वर्ग खत्म हो जाए तो साइन ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना होगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमको जो मिलेगा वो हम लिखेंगे इसको ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा था इसका हमने वर्गमूल लिया ऐसे, और इस तरफ था 4 बटा 5 इसका स्क्वायर, इसका भी हम वर्गमूल ले रहे हैं ये वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने से ये वर्ग खत्म हो जाएगा और यहाँ पर भी एक वर्ग खत्म हो जाएगा और वर्गमूल चिन्ह जो है हट जाएगा। यहाँ हमको मिलेगा साइन थीटा और यहाँ मिलेगा 4 बटा 5। इस तरह साइन थीटा का मान हमको मिल जाता है, साइन थीटा बराबर 4 बटा 5। अब कॉसेक थीटा और साइन थीटा में भी संबंध होता है, तो कॉसेक थीटा का मान इससे हम निकाल सकते हैं। क्या संबंध हम जानते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में, कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम होता है का मतलब कि कॉसेक थीटा को हम 1 बटे साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा का मान हम साइन थीटा का मान रखेंगे और हमको ज्ञात हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, ये है 4 बटा 5। अब 1 बटा 4 बटा 5 को हम क्या लिख सकेंगे, इसको हम उलट कर लिख सकते हैं 5 बटा 4। इसका अर्थ है कि कॉसेक थीटा बराबर 5 बटा 4, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। साइन ए का मान और कॉस ए का मान हमारे पास है, और साइन ए और कॉस ए को हम टेन ए के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम टेन ए का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन ए बराबर हम लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ हम साइन ए और कॉस ए के मान रख देते हैं। तो टेन ए बराबर साइन ए का मान हमने कितना निकाला है, साइन ए का मान हमारे पास है 4 बटा 5, और कॉस ए का मान हमारे पास कितना है, कॉस ए का मान है 3 बटा 5। इस तरह टेन ए बराबर इसको हम ऐसा लिख पाएंगे 4 बटा 5 गुना 5 बटा 3, और जैसे ही इसको ऐसा लिखेंगे तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमको मिलेगा टेन ए का मान, टेन ए बराबर लिखेंगे हम 4 बटा 3। अब केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात और बच गया है जिसको हमको ज्ञात करना है, और वो है कॉट ए। आप जानते हैं कि टेन ए और कॉट ए में एक संबंध होता है कि कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम होता है। तो हम इसका अब उपयोग करेंगे, हम लिखेंगे कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए, और यहाँ पर टेन ए का मान रख देंगे। तो कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए का मान रखेंगे हम 4 बटा 3। तो फिर ये उलट कर लिखी जाएगी संख्या, तो हमको कॉट ए का मान मिलेगा 3 बटा 4। इस तरह हमने सेक ए का मान दिए होने पर शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया, और यहाँ पर हमने प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात
का एक दूसरे के साथ जो संबंध था उसका उपयोग किया।